साथ लगा हुआ चैटिंग करने। क्या बात है, क्या बात है, पूरे फीलिंग के अंदर मजे ले रहे हैं पूरे भाई। इंडियन रेलवे से तो भरोसा ही उठ गया है इस हिसाब से, तो दो दिन पहले चलना पड़ेगा, मैं भी जाना हूँ फिर जाके पहुँचेंगे भाई। 6 बजे की डेस्टिनेशन थी, 6 बजे जाना था इसने, और रात के 3:10 हो चुके हैं और अब तक नहीं पहुँचाया। देख लो, नेक्स्ट टाइम भाई कहीं भी ट्रैवल करो दूर तो भाई 2 दिन पहले चलना, क्योंकि इंडियन रेलवे का कोई भरोसा नहीं है कि पता नहीं कहाँ खड़ जाए। अरे ये स्टेशन भी ऐसा ही है, यहाँ पे कोई ना बस ट्रेन कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और सिर्फ एक ही ट्रेन ही सारा है यहाँ पे, ना कोई बस है ना ऑटो है कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ऐसी जगह ला के खड़ा कर दिए भाई, क्या कर सकते हैं। अब 1 घंटे में 2 घंटे में 4 घंटे में जब भी चलेगी ट्रेन तो ट्रेन का ही सहारा है, और कोई सहारा भी नहीं है यहाँ पे। अरे भाई ना, गुड मॉर्निंग भाई, तो 8 बजे का टाइम हो चुका है और अभी तक हम अमृतसर नहीं पहुँचे, जलंधर ही खड़े हैं। और ये अपने अमन भाई साहब देखो नज़ारे लेने लग रहे हैं। भाई सभी को शक हो रहा है अमृतसर जाएगी या नहीं जाएगी ट्रेन, सभी बैठे हैं इंतजार में। तो अमन भाई क्या लगता है आपको, आज आप एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? चलो जो भी है, और आपको कैसी फीलिंग हो रही है आज का सफ़र के बारे में? नॉर्मल। हेलो, अच्छा ना, मेरे को थोड़ी घबराहट हो रही है, पर एग्जाम है कोई ना, देखी जाएगी। और आज भाई अमन भाई एसी कोच में ट्रैवल कर रहे हैं, क्या बात है, बस टीटी ना आ जाए। मैं देखो अपना जिंदगी है, मैं एक चीज कहना, सवेरे उठो मुंह ऊपर चको कोठे तो छाल मारो जी करदा मार दो, अब किसे तो की लेना है, मेरी जिंदगी है किसी की थोड़ी जिंदगी है। ले भाई ऐसे से ज्ञान देते हैं भाई अपने को। तो भाई मुश्किल से जलंधर सिटी पहुँचे हैं, अभी तक सुबह के 8 बज चुके हैं, और ये जलंधर सिटी का सीन है। ये ट्रेन खड़ी है भाई, ये अमन भाई खड़े, और अब अमृतसर जाने के लिए तैयार है ट्रेन, और थोड़ी देर में चलने वाली है, तो बैठेंगे और चलेंगे, तो दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र। बाकी सफ़र बहुत लंबा हो चुका है भाई, 12-13-14 घंटे से ज़्यादा सफ़र हो चुका है, तो देखते हैं भाई आगे क्या दुविधा आती है, और दुविधाओं को पार करते करते चलेंगे अमृतसर, और वहाँ घूम के आएंगे और आपको दिखाएंगे भाई साहब नज़ारे अमृतसर के, तो जुड़े रहना भाई सारे ब्लॉग में। स्कूल से तो ले भाई गिर पड़ के नहीं आ, 9:30 हो गए होने भाई टाइम, और मुश्किल से पहुंच लिए अपना अमृतसर जंक्शन। ये अमृतसर जंक्शन का नज़ारे भाई देख लो, और ये अपने अमन भाई थोड़े अपसेट से लग रहे हैं मेरे को इतने लेट होकर, चलते हैं आप सेंटर की तरफ, देख पाएंगे सीन है भाई। भीड़ देखो कितनी है यहाँ पे अमृतसर स्टेशन पे, और ये भाई आउटलुक है अमृतसर स्टेशन का। देखो भाई अमृतसर के एग्ज़ाम सेंटर के बाहर की भीड़ कितनी भीड़ हो रही है, देखो भाई सारे कॉन्स्टेबल और इकट्ठे हो रहे हैं आ गए।